आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मुख्यमंत्री ने पूछा बिजली सरप्लस तो फिर कटौती क्यों, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। केपी सिंह के समर्थक ने दी ज्योतिरादित्य सिंधिया को धमकी, मंत्री न बनाए जाने से है नाराज। शिवराज सिंह बोले मध्य प्रदेश में है कांग्रेस की आधी अधूरी सरकार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों के बगावती सुर, मंत्रिमंडल गठन से असंतोष। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का बर्थडे, 53 के हुए सलमान। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मंत्रिमंडल गठन के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई। इसमें ऊर्जा विभाग की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीखे तेवर दिखाते हुए कई बार अधिकारियों को टोका और निर्देश दिए। उन्होंने पूछा कि जब मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली के दावे किए जाते हैं तो फिर कटौती क्यों हो रही है। इससे अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। बिजली के मसले पर मुख्यमंत्री कमलनाथ काफी आक्रामक हैं। कैबिनेट मीटिंग में बिजली के मसले पर जब अधिकारियों ने आंकड़ों का सहारा लिया तो उन्होंने कहा कि इसमें और जमीनी हकीकत में फर्क है। फिर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 दिन में खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएं, ज्यादा बिल आने की समीक्षा हो और बिजली बिल हाफ करने संबंधी वचन पर क्रियान्वयन शुरू किया जाए। मंगलवार को मंत्रिमंडल की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई अनौपचारिक बैठक में बिजली का मुद्दा प्रमुखता से विधायकों ने उठाया था और मंत्रियों ने भी इस बात को बहुत तवज्जो दी। वरिष्ठ मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस मुद्दे को उठाया था। इस पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक सिलावट ने बैठक में अस्थायी बिजली कनेक्शन को स्थायी करने का विषय रखा। इसके पहले ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आईपीसी केसरी ने बिजली की स्थिति को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें बिजली की उपलब्धता, खपत, बिजली बिल की स्थिति आदि पर जानकारी दी गई। जब बिजली आपूर्ति का मुद्दा आया तो मंत्रियों ने कटौती की बात उठाई। मुख्यमंत्री ने पूछा कि जब सरप्लस बिजली के दावे किए जाते हैं तो फिर कटौती क्यों। अधिकारियों ने जब कटौती की बात को आंकड़ों के जरिए स्पष्ट करने का प्रयास किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आंकड़े और जमीनी हकीकत में फर्क है, हमें आंकड़ों से मतलब नहीं बल्कि हकीकत से है। कमलनाथ मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के कारण कांग्रेस में जबरदस्त असंतोष है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने ही ग्वालियर चंबल रीजन में जबरदस्त नाराजगी झेलना पड़ रही है। ताजा मामले में सिंधिया को विधायक केपी सिंह के समर्थक से धमकी मिली है। शिवपुरी के पिछोर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह के एक समर्थक ने फेसबुक पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को धमकी दी है। अर्णव प्रताप सिंह चौहान नामक इस समर्थक ने सिंधिया को पिछोर क्षेत्र में बैन करने की धमकी दे डाली। अपनी पोस्ट में उसने लिखा है कि पिछोर विधानसभा क्षेत्र में सिंधिया पर बैन, भूल से भी पिछोर विधानसभा से गुजरने की गलती ना करें महाराज, हो कौन कौन हो कक्का जू जिंदाबाद। इस पोस्ट में अर्णव एक पिस्टल हाथ में लिए हुए नजर आ रहा है। इस धमकी भरे मैसेज के बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। सिंधिया समर्थकों ने उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने ग्वालियर से लगी भिंड, मुरैना, शिवपुरी जिलों की सीमा पर विशेष निगरानी रखी है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि विरोधी ग्वालियर में न घुस पाए। इतना ही नहीं, सिंधिया के निवास स्थान जयविलास पैलेस के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक उमादेवी खटीक के बेटे प्रिंसदीप लालचंद खटीक ने भी सिंधिया को मारने की धमकी दी थी। विधायक के बेटे को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इस बार ये धमकी सिंधिया को अपनी ही पार्टी विधायक के समर्थक ने दी है। जाहिर है इससे असंतोष का दायरा समझा जा सकता है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर कई नेता खुले तौर पर नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी, मुख्यमंत्री कमलनाथ, सिंधिया, दीपक बावरिया सहित अन्य बड़े नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। विरोध का आलम यह है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अलर्ट घोषित करना पड़ा है। कांग्रेस विधायक ऐदल सिंह कंशाना, केपी सिंह, जैस प्रमुख डॉक्टर सीजालाल अलाव के अलावा बसपा और सपा के नेता भी सार्वजनिक तौर पर असंतोष और नाराजगी जता चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इटारसी में कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आधी अधूरी सरकार बनाई है।
हमने ऐसी सरकार नहीं बनाई थी, अभी सरकार नई है इसलिए काम करने दीजिए, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने सरकार से कहा है कि जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं पर रोक ना लगाएं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इटारसी रेलवे स्टेशन पर कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा जीत कर आएगी। उन्होंने कहा कांग्रेस ने प्रदेश में आधी अधूरी लंगड़ी सरकार बनाई है, हमें वोट अधिक मिले बस थोड़ी सीटें कम आई हैं, अभी नई सरकार को काम करने दीजिए, मैंने सरकार से कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होना चाहिए। देखिए नई सरकार से मैंने कहा है जो जन कल्याण की योजनाएं है वो सब जारी रहनी चाहिए, विकास के काम जारी रहने चाहिए, सरकार में निरंतरता रहती है और मैंने शुभकामनाएं दी है कि वो ठीक काम करें। सरकार लंगड़ी है, आधी अधूरी है, हमने ऐसी सरकार नहीं बनाई। वोट भले ज़्यादा मिले हो, कुछ सीट हमारी कम रह गई, अब ये ठीक से काम करें। मैं अभी से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, एक आदमी ने काम करने का मौका दिया। सीएम रहने तक शिवराज सिंह के चारों ओर कड़ा सुरक्षा घेरा रहता था, इस वजह से उनसे बात करने और उनके करीब पहुंचकर सेल्फी लेना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन पद से हटते ही अब शिवराज साधारण नजर आए। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उनके कोच की बर्थ तक पहुंचकर सेल्फी ली और उनसे बात भी की। शिवराज भी पूरी सहजता से फोटो सेशन कराते नजर आए। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव मंत्री बनने के बाद पहली बार अंबिकापुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। सिंहदेव ने कहा कि जो विभाग पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह के पास थे वो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास रहेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता मंत्री टीएस सिंहदेव का अपने गृह नगर अंबिकापुर पहुंचने पर पारंपरिक लोक नृत्य के द्वारा स्वागत किया गया। सिंहदेव के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जनहित के काम करेगी, अब पुलिस वालों को हफ्ते में एक दिन अवकाश भी मिलेगा। मैंने व्यक्तिगत तो पहले भी कहा था कि वित्त में मैं कंफर्टेबल हूं, मेरी रुचि भी है, लेकिन आपस की बात में भूपेश जी से हम लोगों ने बात की तो उनका मुख्यमंत्री जी का और सब जो राय अंततः हमने की कि उनके पास जो विभाग थे पहले रमन सिंह जी के पास तो वो भूपेश बघेल जी के पास रहेंगे, तो वित्त भी उन्हीं के पास रहेगा, अन्य जो विभाग हैं अब देखें कौन सा मिलता है। टीएस सिंहदेव तीसरी बार इस इलाके से विधायक चुने गए हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में सिंहदेव 39,624 मतों से विजय हुए। इससे पहले के दो चुनाव में वे हर बार अपनी जीत के अंतर को बढ़ाते जा रहे हैं। सरगुजा इलाके में वे खासी लोकप्रिय राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन के बाद कांग्रेस नेताओं के बगावती स्वर सोशल मीडिया से होते हुए सड़क तक आ पहुंचे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रायपुर में 8 से ज्यादा कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों ने हंगामा मचाया हुआ है। सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, मनोज मंडावी, दीपक बैज, लाखेश्वर बघेल, अमितेश शुक्ल सहित कई विधायक अपने साथ अन्याय की बात कह रहे हैं। बस्तर विधायक लाखेश्वर बघेल के समर्थकों ने तो चक्का ही जाम कर दिया। कांग्रेसियों का ये गुस्सा सोशल मीडिया से पार्टी की बैठकों और अब सड़क तक नजर आ रहा है। जाहिर है ये सब भूपेश बघेल की मुसीबतें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। विरोध बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी आए हैं और ये काफ़ी देर से आए हैं, 12 बजे से आए हैं और यहाँ इकट्ठे हैं, वो ये विरोध कर रहे हैं। कल ये सब रायपुर भी गए थे, रायपुर में जैसा सूचना था कि इनको मंत्री पद बनाया जाएगा, बाद में नहीं बनाया गया और ये सबको मालूम है कि एक कोई कोई इस विधानसभा में बस्तर संभाग से अभी 11 विधायक जीते हैं और पिछली विधानसभा में 8 जीते थे। उस अनुपात में चाहे भौगोलिक स्थिति से हो, चाहे जनसंख्या की स्थिति से हो, हर तरह से बस्तर जिले से हमेशा मिलता रहा है। बस्तर जिला मुख्यालय है और बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कोंडागांव विधानसभा है, आपका नारायणपुर विधानसभा है, बस्तर है, चित्रकूट है, जगदलपुर है, इन 5-4 विधानसभाओं का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा है। उस हिसाब से लोकसभा को देखते हुए भी लखेश्वर बघेल जी को मंत्री बनाना चाहिए था। लखेश्वर बघेल जी जो मैं 5 विधानसभाओं के जो क्षेत्र का बात कर रहा हूँ वहाँ के वो बरसों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा वोटों से भी जीते हैं और वोट के जीतने का पैमाना नहीं है, लेकिन इस रूप से ऐसा महसूस कार्यकर्ता कर रहे हैं कि यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। अभी आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। अब हम यही चाहते हैं कि इस बस्तर विधानसभा से हमारे सम्माननीय लखेश्वर
भैया जी को मंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं, सारे लोग, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और इस बात पे हम नाराज़गी जता रहे हैं कि भैया को मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्रिमंडल में उनका नाम, जो उनको सूचना मिली थी मंत्री बन गए हो, सारे लोग उनको क्या पहले बधाई दे दिए और बाद में सुन रहे हैं कि उनका नाम कट गया वहाँ से। इससे पहले छत्तीसगढ़ के सर्वमान्य नेता टीएस सिंहदेव, जिनके चेहरे पर प्रदेश भर में कांग्रेस को अपार बहुमत मिला, जिनका बनाया जन घोषणा पत्र इस बड़ी जीत की वजह बना, उनके स्थान पर भूपेश बघेल को सीएम बनाए जाने से वैसे भी मतदाताओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में रोष था। ऊपर से अब छत्तीसगढ़ में बेहद प्रभावशाली साहू समाज और आदिवासी वर्ग और सामान्य वर्ग की नाराजगी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है। जिस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने राज्य में पिछड़ी जाति का कार्ड खेला था, वही अब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन के उभर रहा है। कोरबा में जंगल से हाथियों का दल भटककर शहर के बीच रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। चार हाथियों के इस दल को शहर से वापस जंगल में खदेड़ने के लिए वन विभाग ने अब पुलिस से ट्रैफिक कंट्रोल की मदद मांगी है। कोरबा वन मंडल का वनांचल हाथियों के आतंक से थर्राया हुआ है। वनांचल में आतंक मचाने के बाद चार हाथियों का दल पहली बार जंगल से भटककर शहर के बीचों बीच आ गया है और कोरबा में घूम रहा है। शहर के SECL मानिकपुर से होते हुए हाथियों के दल ने सुबह के वक्त SECL कॉलोनी के बीच बने हेलीपैड नर्सरी में पहुंच गया। इन हाथियों को देखने के लिए शहर में जगह जगह लोग जमा हैं। कटगोरा वनमंडल तरफ से प्रवेश किया है। ये कचार जो बड़को पर्चे तरफ से प्रवेश कर यहाँ पर धोंद्रो बेला कचार गांव तरफ आया था और कल दादर का बस्ती का नजदीक वाला जंगल पे रहा और अचानक वहां से भटक कर मानिकपुर मेन से एंट्री करके और मानिकपुर के SECL क्षेत्र में यहां पर एंट्री करके यहां कोरबा शहर का बीच वाला जो सागौन प्लाट में आकर के कल रात को 3 बजे घुस गया और हम वन विभाग का पूरा टीम गठित करके जंगल तरफ वापस ड्राइव करने के लिए प्रयास किया है, क्योंकि यहां पर चारों तरफ शहर होने के कारण और जब भीड़ ज्यादा इकट्ठा होने के कारण यहां पे जो हाथी जल्दी नहीं निकल पा रहा। ये बताओ अभी क्या देखे आप यहाँ, कितने हाथी थे? दो ठो। फिर कैसे आप लोग बचाव के लिए किए? छत ऊपर। कितने बच्चे थे आप परिवार में? कौन कौन थे? अभी चार दो जन बच्चे। कितने छोटे छोटे बच्चे थे? अभी 1.5 महीना के, वो 400। कोरबा शहर के अंदर पहुंच चुके हाथियों को वापस जंगल में खदेड़ने में वन विभाग को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की आबादी वाले इलाके में पहुंच चुके हाथियों से किसी को जनहानि ना हो, इसे लेकर DFO ने पुलिस विभाग को शहर का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सहायता मांगी ताकि सुरक्षित तरीके से बगैर जनहानि के हाथियों को जंगल की तरफ भेजा जा सके। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का आज 53वां जन्मदिन है। वे पनवेल फार्म हाउस में करीबी दोस्तों और परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बुधवार रात से एक्टर का बर्थडे प्रोग्राम शुरू हो चुका है। खबर है पनवेल में सलमान खान की ये पार्टी 28 दिसंबर की सुबह तक चलेगी। सलमान की पार्टी में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हुए हैं। सलमान खान ने अपनी बर्थडे पार्टी बुधवार देर रात को करीबी दोस्तों और कलीग के साथ मनाई। बर्थडे पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। सलमान खान के बहनोई और एक्टर आयुष शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के स्टोरी पर कुछ वीडियो शेयर किए जिसमें सलमान अपना बर्थडे केक काटते हुए दिखे। सलमान खान का एक और वीडियो भी वायरल हुआ है जिसे उनकी पूर्व को एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने शेयर किया है। इस वीडियो में सलमान खान ने उनके साथ जमकर डांस किया। सलमान खान का बर्थडे केक भी काफी स्पेशल है। 4 स्टोरी केक में सलमान खान की तस्वीरें लगी हैं। दूसरी तरफ फैंस के बीच भी अपने चहेते एक्टर के जन्मदिन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वे सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर केक काटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरनेट पर सलमान के कई डांसिंग वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन्हें सलमान के बर्थडे सेलिब्रेशन का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।